मॉर्निंग एवरीवन, आज हम आयर से शुरू करेंगे, फर्स्ट क्लास है. एंड थॉट ऑफ द डे, बिगिन टुडे विदाउट द हैंगअप्स ऑफ यस्टरडे. कल जो भी हुआ, आज तक हम लोगों का जो भी पर्सपेक्टिव था या फिर लाइफ में जो भी फेलियर्स रहे हैं, इन सबको एक तरफ रखकर जब भी हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो बस पीछे का सब एक तरफ छोड़ के लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टडी. तो ये हैंगअप्स है ना कि यार आज तक तो हुआ नहीं, लास्ट टाइम प्री लिखा था है ना, फिर मेंस लिखा था, फिर हुआ नहीं, फिर दोबारा से वैसा हो रहा है, या फिर जो भी आपके इस तरह का पर्सपेक्टिव रहेगा, उन सब हैंगअप्स को लेट्स लीव एंड लेट्स स्टार्ट अगेन. तो चलिए अब जल्दी जल्दी अपनी एटलस खोलो. ठीक है, एटलस में हमारा फर्स्ट टॉपिक है अफगानिस्तान. अभी हम ओरिएंट रोमन खोलेंगे. ठीक है, एटलस खोल लीजिए. ठीक है, पेज नंबर 50. हम क्या करेंगे, ऑक्सफोर्ड इंडिया के लिए यूज करेंगे और ओरिएंट वर्ल्ड के लिए यूज करेंगे. तो अफगानिस्तान है सर, हमने अफगानिस्तान, आप नोट्स भी खोल लीजिए. ठीक है, मैंने पढ़ने को दिया था. इसमें क्या क्या चीजें लिखी है, पहला वी हैव अ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स विद अफगानिस्तान. ठीक है, सिंस टाइम इमोरियल द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हैव इंटरेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ट्रेड कॉमर्स पीसफुल कोएग्जिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर्ड वैल्यूज कल्चर एंड कॉमनैलिटीज. तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा आपका, सोवियत वॉर 1979 to 89. देखिए जो अफगानिस्तान है ना, क्यों इस मतलब जगह इंपॉर्टेंट क्यों बन रही है. पहले एक मैकाइंडर और स्पेक्टमैन की थ्योरी थी, हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी, विच स्टेट्स कि जो इस एरिया को कैप्चर करेगा इसको हार्टलैंड बोलते थे, और इसमें अफगानिस्तान बीच में. ठीक है, तो हार्टलैंड को जो कैप्चर करेगा वो इस सारे एरिया पे उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, क्योंकि उस टाइम पे आर्मीज होती थी जो लैंड पे चलती थी. ठीक है, तो कभी अगर ऐसे में या हम स्टार्टिंग से ना कोई हिस्टोरिक बेसिस देना हो तो हम दे सकते हैं मैकाइंडर स्पेक्टमैन का. और फिर रिमलैंड, उसमें क्या था कि रिम नीचे से जो सी वाला पोर्शन है, रिम पहले लैंड पे ही रहती थी वॉर्स. धीरे धीरे जब यूके की नेवी स्ट्रांग हुई, फिर वॉर्स पानी के अंदर होने लगी, नेवी की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, फिर आपका रिमलैंड आता. जैसे उसी को बढ़ाते अब जैसे एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है. ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं कि एक लैंड से जा रहे हैं, एक सी से जा रहे हैं. ठीक है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बट पहले मैकाइंडर स्पेक्टमैन ने बात की, और उस टाइम पे अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये वाला रीजन था उस टाइम पे, इसीलिए हाईली रेविज प्लेस, बहुत लड़ाइयां हुई हैं. ठीक है, रशिया ने लड़ाई करी थी, रशिया ने कैप्चर करके रखा हुआ था. उसके बाद फिर अभी बाद में यूएसए आया था, रिसेंटली यूएसए ने यहाँ पे वॉर करी थी. इसके बाद अभी यूएस वापस जा रहा है, तो आईएस की होल्ड, तालिबान की होल्ड वापस आ रही है, तो यहाँ पे तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा है. तो शुरू अगर इसमें थोड़ा सा ऐसे बहुत ज्यादा ना, हमको ना हर एक चीज के पर्सपेक्टिव्स नहीं लेते, बस थोड़ा थोड़ा ना ऐसे एक टर्मिनोलॉजी बताऊं, जैसे हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी चीज. एक सोवियत अफगान वॉर 1979 to 89. ठीक है, तो उसमें अफगानिस्तान को बैक कर रहे थे वॉर, रिकॉग्नाइज द सोवियत बैक, और इंडिया ने इस टाइम पे क्या किया था, वी वर द ओनली साउथ एशियन नेशन जिन्होंने इनको बैक किया था, कि सोवियत बैक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, हमने उस टाइम पे इसको एक्सेप्ट किया था. फिर प्रेसिडेंट नजीबुल्ला गवर्नमेंट बनी थी, इसके बाद विड्रॉल ऑफ द सोवियत फोर्सेज जब हुई थी उस टाइम पे, फिर इंडिया ने इनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी. फिर उसके बाद 1999 में की सपोर्टर एंटी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस की इंडिया था. फिर 2005 इट प्रपोज्ड कि इसको साक की मेंबरशिप दी जाए. साक क्या है, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन नेटवर्क. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. और इसके मेंबर्स कौन कौन है पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान पहुंच गया है. ठीक है, तो ये रहेगा साक. जैसे नहीं, छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट है. और सेक्रेटरी जनरल कौन है, अभी पाकिस्तान के ना, पाकिस्तान के है अभी वो, अमजद बी हुसैन. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में. ठीक है, अमजद बी हुसैन. फिर इसके बाद अभी साथ में हमने प्रपोज किया था, उसके बाद ये साथ का मेंबर बन चुका है. ठीक है, फिर उसके बाद 2016 में अमीर अमनुल्ला खान अवार्ड, ये नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने दिया है. ठीक है, और उसके बाद अभी एक
पीस ऑफर जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने प्रपोज करी है तालिबान के लिए, यूनिलैटरली उन्होंने कहा है कि हम पीस ऑफर कर रहे हैं, तो उस वो अभी एक रीसेंट है, तो इंडिया ने उस चीज को सपोर्ट किया। तो हम इस तरह से क्यों देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान की एक अपनी हिस्ट्री, लेट्स सी अफगानिस्तान एज अ इंडिविजुअल अपने आप में कंट्री। देखिए हमको अफगानिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ठीक है, जो हमारा पर्सपेक्टिव वो सिर्फ इतना है कि अफगानिस्तान और इंडिया व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑन इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखनी चीजें। तो यहां पे तो ये हम हिस्टोरिकली देखा हमने इंडिया एंड अफगानिस्तान, फिर इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम हमेशा कि हाँ वो सॉफ्ट पावर हम अपनी बढ़ा रहे हैं या फिर हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किस तरीके से करें जिससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे, वो क्या क्या चीजें रहेंगी। तो सिक्स लार्जेस्ट डोनर है हम, तो यहाँ पे लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं, $2 billion इंस्टीट्यूशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, फिर इसमें क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, फिर यहाँ पे जरंस देलेराम रोड ये हम बना रहे हैं फॉर फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू ईरानियन बॉर्डर, ठीक है। तो जरंस देलेराम रोड कहां से बन रहा है एक बार इसमें मैप में देखा, ईरान का मैप होगा ये, इससे पिछले पेज पे 49 पेज पे, ठीक है, ईरान में नीचे देखना एक चाबहार पोर्ट है, ये पोर्ट डेवलप्ड बाय इंडिया, चाबहार ईरान में दिख रहा है नीचे, ठीक है, जहां पे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इससे थोड़ा सा आगे है, मिल गया। इसके बाद इसके पीछे बंदर आबाद है, बंदर आबाद बिल्कुल टिप के ऊपर है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके बिल्कुल टिप के ऊपर रहेगा बंदर आबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसको भी डेवलप कर रहा है, ठीक है, प्रपोज है, इस पर चला हुआ है वर्क चला हुआ है, चाबहार पे हमारा काफी इनिशिएट हो गया काम। तो यह छाबार से और ऊपर कैस्पियन सी में देखिए बाबोल है, यहाँ कैस्पियन सी के पास बाबोल होगा अपने एटलस में देखिए जगह देखिए, तो यहां से आप एक लाइन कनेक्ट कर सकते हो, हम ये रोड बना रहे हैं, ठीक है, कैस्पियन सी में बाबोल और नीचे छाबार गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है सर। फिर बीच में यहां पर देखना एक जगह है जरंद, दस्त जरंद, जहां ये दस्ते लुट है ना, राइट हैंड साइड पे दस्ते लुट है, और यहां पर जहां ईरान का एन है ना उसके बिल्कुल साइड में देखना छोटा सा डॉट है जरंद, ठीक है। तो यहां से जरंद से अफगानिस्तान की तरफ देलेराम, अफगानिस्तान में देलेराम, तो जरंद देलेराम रोड बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वही बात है, यहां से छाबार गए, छाबार से हमने बाबोल गए, बाबोल से कैस्पियन सी के थ्रू हम ऊपर कनेक्ट कर जाएंगे रशिया में, और बीच में से हम जरन से देलेराम अफगानिस्तान के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से हम रोड बनाएंगे, ठीक है। और फटोफट इसमें देख लीजिए और क्या क्या चीजें रहेंगी इसमें, बंदर आबाद से अंदर की तरफ आइए, एक बुशहर करके है, पोर्ट ही है, बिल्कुल बॉर्डर पे रहेगा कोस्ट पे, बुशहर ये रशिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। और ये जो पर्शियन गल्फ है यहां पे बहुत ज्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस है अवेलेबल, और एक चीज ध्यान रखना कि ना ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना ये किस किस के बीच है, ईरान एंड ओमान के बीच में, ठीक है, यूएई यहां पे बड़ी कंट्री है लेकिन जो साइड में छोटा सा कोना है ना वो ओमान का है, वैसे ओमान नीचे की तरफ है, ठीक है, ये ओमान का छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ है, ठीक है सर। बाकी ऊपर एक यहां पे ना एक जगह है इश्फाहान नटांस, ये जो इनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो सारे ऊपर तेहरान है, तेहरान के साइड में फ्रोडो करके फ्रोडो पराचीन, ठीक है, तो ये सारी जगह हैं। ऊपर एल्ब्रूस माउंटेन है इससे थोड़ा ऊपर कैस्पियन सी के पास, एल्यूमिनियम बहुत है यहाँ पे, ठीक है, तो ईरान है, तो ये आपका जरंस देलेराम रोड हो गया, फिर अफगानिस्तान के अंदर आ जाएगा। इसके पश्चात कंस्ट्रक्शन ऑफ 220 kV DC ट्रांसमिशन लाइन पुले कश्मीर टू काबुल, तो हम ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हैं खुमीर, पुले खुमीर टू काबुल। फिर इसके बाद अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम सलमा डैम बना रहे हैं हम, ये हेरात प्रोविंस के अंदर, ठीक है सर, एक सलमा डैम। आप अफगानिस्तान में देखेंगे, अफगानिस्तान में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, हेरात, अब जहां ए का एफ है ना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एफ के सीधा ऊपर एक हेरात है, देख रहे हैं, यहां हेरात प्रोविंस है, यहां पर हम सलमा डैम बना रहे हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अफगान पार्लियामेंट ये हमने करी है, फिर उसके बाद न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है कि हमने $2 billion डेवलपमेंट
इकोनॉमिक असिस्टेंस इनको दी है न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, फ्लड कंट्रोल, माइक्रो हाइड्रो पावर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है सर, तो आपको क्या क्या चीजें, बस इसमें बेसिक एग्जाम्पल याद रहे, जो जरंस देलेराम रोड, सलमा डैम, पार्लियामेंट, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप में $2 बिलियन दिए हम लोगों ने। इसके बाद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान, इट्स ए गेटवे टू एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया, बीच में है, ठीक है, और सिचुएटेड इन क्रॉस रोड बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है सर, मिडिल ईस्ट एक तरफ हो जाएगा, साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है, सबको कनेक्ट कर रहा है। तो हमने बोला था ना कि हार्टलैंड है ये, इसलिए हार्टलैंड है ये। इसके बाद है सर मैसिव रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर द कंट्री, ऑफर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन कंपनीज। तो हमारी कंपनीज यहाँ पे काफी ट्रेड कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है, फिर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है यहाँ पर बहुत ज्यादा, उसको हम ले सकते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। सो स्टेबल गवर्नमेंट इन काबुल इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग टेरर एक्टिविटीज। इसके बाद हमने इसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री, अफगानिस्तान चोज टू साइन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद डिस्पाइट यूएस एंड पाकिस्तान कीन ऑन डूइंग सो। तो सबसे पहले हमारे साथ वैसे ना कि नहीं, वो भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं किस तरीके से, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, ठीक है। फिर इसके अंदर अब हमने क्या क्या ट्रेन, उनके आर्मी पर्सन को हम ट्रेन कर रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं उनको, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी फोर्सेस का। फिर हमने उनको क्या क्या दिया, 3 अटैक MI-25 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए हमने अफगानिस्तान को। फिर हमने तापी पाइपलाइन एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान से चलेगा। दोबारा से देख लीजिए अफगानिस्तान के मैप पे आ जाते हैं, तो तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे गलकनिश होगा, ठीक है, गलकनिश की जहां से निकल रहा है नेचुरल गैस उसके, ठीक है। फिर उसके बाद गलकनिश से आएंगे हेरात प्रोविंस में, ठीक है, हेरात से आएंगे कांधार की तरफ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आते जाइए, ठीक है, यहां कांधार, कांधार से फिर पाकिस्तान में क्वेटा, ठीक है, क्वेटा है, क्वेटा से बोलन पास में आएंगे, बोलन पास दिख रहा है, बोलन पास को क्रॉस करते सिबी, जकोकाबाद, जकोबाबाद पाकिस्तान में, वहां से फिर इंडिया में आ जाएंगे। तापी पाइपलाइन इसके बारे में बात हो रही है। फिर ठीक है सर, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तापी पाइपलाइन आंसर में अगर आप अफगानिस्तान पर लिख रहे हो तो तापी पाइपलाइन होनी चाहिए, सलमा डैम होना चाहिए, जरंस देलेराम रोड होना चाहिए, ठीक है, और हिस्टोरिकल लिख रहे हो तो सार्क में हमने इनका हेल्प किया था, और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, बस इतना छोटा छोटा है कि MI हेलीकॉप्टर है। फिर इंडिया अफगानिस्तान फोकस एरियाज, ये बायलैटरल ट्रेड हमारा, ठीक है, 800 मिलियन एक्सपैंड करता जा रहा है डिस्पाइट लैक ऑफ डायरेक्ट लैंड एसेस। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ अफगान एक्सपोर्ट्स, सबसे हमारे पास आ रहे हैं। एक और चीज भी देखना है यहाँ पे, अफगानिस्तान का जो मैप है ना, इसमें एक वखान कॉरिडोर है जहां पे इंडिया है ना, इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर ऐसे नहीं हमने बोला नहीं, यहाँ पे टच कर रहा है अफगानिस्तान थोड़ा सा, ठीक है, इस जगह पे जो टच हम दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये अंदर की तरफ जो पोर्शन है अगर हम अफगानिस्तान के मैप में देखें तो ये वखान, वखान लिखा है इसमें, वखान कॉरिडोर, ठीक है, ये बहुत स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है, ड्रग्स, आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस एरिया से होती है वखान। पर ये अभी इंडिया को कनेक्ट सच में नहीं कर रहा है, जैसे बट एक चीज होती है कि बॉर्डर कौन कौन करते हैं उसमें हम लिख देते हैं अफगानिस्तान बॉर्डर करता है, लेकिन ये अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है सर। इसके बाद है एक्सपोर्ट हमारे क्या क्या, वहां से क्या क्या आते हैं, टेक्सटाइल, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल, फार्मा, टोबैको, आयरन स्टील, इलेक्ट्रिक मशीनरी, और इंपोर्ट हम वहां से क्या क्या ले रहे हैं, फ्रूट एंड नट, गम्स एंड रेजिन, कॉफी, टी, स्पाइसेस। ये चीज ध्यान रखना, जैसे कोई गरीब कंट्री होती है ना और एक अमीर कंट्री, अगर आपस में ट्रेड करें तो जनरली जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं वो रिच कंट्री दे रही होती है, और पुअर कंट्री अपने रिसोर्सेज जैसे गम्स, नट्स, रेजिन, कॉफी, टी, स्पाइस, फिर अपनी ओर्स प्रोसेस तो कर नहीं सकते, तो जैसे हम जापान को ओर दे रहे हैं, अब इन लोगों से हम मिनरल्स ले रहे हैं, तो इस तरह से चलता है। और जो भी हम बात कर रहे थे ना ये ट्रांजिट रूट की, यहां से अभी वीट भी भेजा है इंडिया ने, वीट जो हमारी फर्स्ट कंसाइनमेंट वीट की थी वो जा चुकी है, JNPT से हमने भेजा था और छाबार में उतर के फिर अफगानिस्तान गया था वीट।
एब्सेंस ऑफ ट्रांजिट रूट थ्रू पाकिस्तान, ये चीज है. एब्सेंस ऑफ ट्रांजिट रूट, इंडिया डिपेंड्स ऑन कंट्रीज ईरान टू सेंड गुड्स देयर, ये हमको पता है. फिर पाकिस्तान रिफ्यूजल टू प्रोवाइड लैंड रूट, इसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है कि जो ट्रक अफगानिस्तान के हैं वो पाकिस्तान में आ सकते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट. और लेकिन क्या है, वो इंडिया के बॉर्डर तक नहीं आ सकते हैं. तो इसमें इशू क्या हो रहा है कि एक चेक पॉइंट है वाघा की, ठीक है, वो पाकिस्तान की चेक पॉइंट है और हमारी अटारी पे है. तो जो बीच का सिर्फ एक किलोमीटर का रीजन है, बट वो ट्रक उनके यहां तक नहीं आ सकते, इसलिए जो मटेरियल है वो डायरेक्टली अलाउ नहीं कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, वो आपको वहां पे एक बार वाघा में उतारना पड़ेगा, फिर दूसरे ट्रक है पाकिस्तान के, वो उसको अटारी तक लाएंगे, फिर दोबारा से हम लोग हमारे कंट्री में फिर आएगा. तो वो ट्रांजिट कॉस्ट बहुत बढ़ गया ना, वो अनलोडिंग लोडिंग हर चीज का. तो ये चीज भी रह गई. तो इस पे हम कह रहे थे, इवन अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है कि नहीं इंडिया को इसमें इंक्लूड करो. फिर एयर फ्रेट कॉरिडोर, ये भी रिसेंटली स्टार्ट हो गया, डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर सर्विस 2017 में शुरू हो चुकी है, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, क्योंकि लैंड लॉक है, तो एयर से अगर कोई भी इनकी पेरिशेबल चीजें हैं वो इंडिया लाई जा सकती है. और हमारे जो बिजनेसमैन है उनकी मूवमेंट अच्छी हो रही है. फिर छावर पोर्ट है सर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ छावर पोर्ट, ऑल्टरनेटिव रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट बेस्ड ऑन CSS थ्रू चाबार हैज बीन साइन. तो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट रहेगा, सी से जा रहे हैं फिर लैंड से जा रहे हैं. देन इंडिया अफगानिस्तान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर्ड वेज टू मेक यूज ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, की जो इंटरनेशनली भी रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है हम उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ लें, ताकि क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट हो जाए और कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाए. जैसे ना यूएस भी अफगानिस्तान में ना ऐसे एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है रोड से, बट वही रहता है कि वहां पे तालिबान उसको हमेशा तोड़ देता है. इसके बाद सर हमने हार्ट ऑफ एशिया 6 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करी थी अमृतसर डिक्लेरेशन में, ठीक है, यहां पे क्या क्या बातें करी थी हमने कि टेररिज्म को हम इलिमिनेट करेंगे टू हेल्प अफगानिस्तान इन इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन. State sponsored terrorism was identified as the key challenge and members agreed upon concrete effort to dismantle all kind of terrorism. तो अभी हमने अमृतसर में ये सारी चीजें डिस्कस करी है. फिर अफगान कल्चरल रिलेशनशिप्स, ठीक है, हमारा ये ट्रेडिंग क्राफ्ट सेंटर फॉर ओवर 2000 ईयर कनेक्टिंग सिविलाइजेशन ऑफ पर्शिया सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, बहुत टाइम से है हमारा रिलेशनशिप. फिर उसके बाद इंडिया डायस्पोरा एंड पाकिस्तान, 2500 इंडियंस है जो ऑलरेडी रह रहे हैं वहां पे, ठीक है, रेमिटेंस आता है हमको यहाँ से. और हमारे लोग किन किन चीजों में, बैंक, आईटी फर्म, कंस्ट्रक्शन कंपनी, हॉस्पिटल, एनजीओ, टेलीकॉम कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी, यूनिवर्सिटी. तो ऐसा ना जैसे थीम की तरह याद रहनी चाहिए, कल्चर कल्चर याद रहना, बाकी तुम लिख लोगे, ठीक है, कल्चर में हम जोड़ सकते चीजें, डायस्पोरा याद रहना चाहिए, बाकी जोड़ देंगे, ठीक है. फिर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स, इसमें है कि हम अफगानिस्तान को क्या असिस्टेंस दे रहे हैं, अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज इन फाइटिंग द स्कॉर्ज ऑफ टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रैफिकिंग, हम इसमें हेल्प कर रहे हैं. पीछे हमने पढ़ा था कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं. फिर इसमें अफगानिस्तान पीस ऑफर है, ठीक है सर, इसमें अनकंडीशनल टॉक टू तालिबान, इसमें क्या कि अगर सीज फायर करते हैं तो उनको हम किस तरीके क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे. इसमें सर अगर अफगानिस्तान को देखें ना, तो इसका जैसे हम लैंड लॉक कंट्री है, तो इसमें अगर देखेंगे पास्तून सुन्नी, तो जिसका वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, जैसे पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस रहेगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, जो उसके बॉर्डर वाले एरियाज हैं जो आपके अफगानिस्तान के, वहां पर पास्तून सुन्नी कम्युनिटी रहती है, वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ऊपर की तरफ. फिर उसके बाद आपका है हजारा शिया, तो शिया ईरान में रहते हैं, तो ईरान के साथ जो बॉर्डर है ना इधर लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है इसका वेस्टर्न पोर्शन, ईरान के साथ है, तो ईरान के साथ ये वाला बॉर्डर, तो हजारा शिया यहां पर रहेंगे. फिर ऊपर तजिकिस्तान है, ठीक है, तो उज़्बेक्स, तजिक्स, उस साइड में उज़्बेक है, उज़्बेक का थोड़ा सा बॉर्डर है, फिर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि बॉर्डरिंग एरियाज में दोनों तरह की कम्युनिटीज रहती है, जैसे हमारे हैं नेपाल के साथ जो तराई रीजन वाला, तो वहां पे भी हमारे कई लोग नेपाली बोलते हैं, किनशिप रिलेशनशिप्स है. फिर बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वहां पे फिर मतलब किनशिप रिलेशनशिप है हमारा, जहां पे एक्सेसिबल बॉर्डर्स होते हैं. चाइना के साथ इतने एक्सेसिबल बॉर्डर्स नहीं है. फिर उसके बाद सर ये चल रहा है ये एरिया, तो इस तरह से यहां पे अलग अलग जगह पर डाइवर्सिटी है और टर्मोइल में रहा है 40 साल से,
सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान इन 1979, विड्रॉल इन 1989, फिर नजीबुल्ला गवर्नमेंट आई थी, तालिबान केम टू पावर इन 1996 एंड वाज लेटर आउस्ट बाय इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। तो ये यूएस ने किया था ठीक टू काउंटर अलकायदा इन 2001, यूएस का अटैक हो गया था। फिर उसके बाद अभी क्या हो रहा है, नाटो, यूएस और नाटो फोर्सेज हैं ये बाहर जा रही है ठीक है, अभी धीरे धीरे ये अपनी इनको वापस बुला रही है यूएस गवर्नमेंट ने। और फिर तालिबान है स्टेडिली एक्सपैंडेड इट्स रीच, तो एट द जैसे इनके वो कॉम्बैट मिशन 2014 में खत्म कर दिया है, उसके बाद धीरे धीरे तालिबान अब दोबारा से स्ट्रॉन्ग होल्ड पे आने लग गया है। अब काबुल पीस प्रोसेस में क्या है कि इन एक्सचेंज ऑफ सीज फायर कर दो, हम पीस, तालिबान मेंबर्स के नाम पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, प्रिजनर रिलीज, पासपोर्ट टू तालिबान मेंबर्स, वीजा टू देयर फैमिलीज एज वेल एज ऑफिस स्पेस इन काबुल, तो ये सारी चीजें इनको मिलेगी। इन्होंने रिजेक्ट कर दी है जो ये ऑफर थी विदाउट प्री कंडीशन। इसके बाद सर चैलेंजेस ऑफ अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे इस पीस प्रोसेस के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने किया है मना कर दिया क्यों, नंबर ऑफ वॉर एंड सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, सुसाइड बॉम्बिंग बहुत हो रही है यहाँ पे ठीक है। फिर राइज ऑफ आईएस है यहाँ पे, आईएस बढ़ता जा रहा है धीरे, आईएस है, आईएस का तालिबान के साथ अब कनेक्शन बढ़ रहे हैं और फिर उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ रहा है इस रीजन में। यहाँ पे ना एक जैसे कुंडूज एरिया अफगानिस्तान में देखना ऊपर की तरफ ठीक है, इसके फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया बोलते हैं इसको, फाटा ठीक है, ऊपर कुंडूज दिख रहा है हिंदू कुश माउंटेन्स के ऊपर, जहां पे ताजिकिस्तान का टी है ना इससे थोड़ा सा नीचे है कुंडूज ठीक है। तो ये हमने सुना था ना बीच में कुंडूज को आईएस ने कैप्चर कर लिया हुआ है, ये वाला रीजन था ठीक है। फिर ये साइड में इसके मजर शरीफ है, तो यहाँ पे वो अटैक किया था इन लोगों ने, इंडिया की काउंसिल पे अटैक किया था, फिर आईटीबीपी थी यहाँ पे, तो आईटीबीपी ने इसको रिपेल किया था, तो ये वो वाला रीजन है। तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ रहा है, तो राइज ऑफ आईएस हो रहा है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज क्लेमिंग टू क्रैक डाउन ऑन मिलिटेंट्स, इसके फेलियर ऑफ यूएसए स्ट्रेटजी, इवन दो इनका था कि हम पीस ले आएंगे बट वन फेल टू इवॉल्व अ कोहेसिव स्ट्रेटजी रिगार्डिंग मिलिट्री एड टू पाकिस्तान ट्रूप्स प्रेजेंट इन अफगानिस्तान, और कर क्या रहे, प्रॉब्लम कहां आ रही है, ये चीज़ है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एयर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन द कंट्री, तो जाते हैं वो ड्रोन से अटैक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। रोल ऑफ पाकिस्तान, कहीं ना कहीं हकानी नेटवर्क है, ये याद रखना है इसको ना, हकानी नेटवर्क, वो गुड तालिबान बेड तालिबान की बात करते हैं ना पाकिस्तान में, तो इस पर पीएम बोल रहे थे कि देयर इज नो गुड तालिबान बैड तालिबान, तो इसमें है जिसे हकानी नेटवर्क है उसको वो अटैक कर रहा है मतलब अफगानिस्तान के अंदर भी। फिर लेजिटिमेसी ऑफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव है ना अब्दुल्ला अब्दुल्ला एंड प्रेसिडेंट अशरफ गानी, अब इन पे क्या क्या इश्यूज चल रहे, करप्शन, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रिफ्यूजल ऑफ तालिबान टू टॉक टू अफगान गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं इससे ये है कि जो लेजिटिमेसी है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली फिर कू की तरफ जाने लग जाती है ना सिचुएशन, ये चीज रहेगी। फिर ग्रेट गेम है, ग्रेट गेम में क्या हो रहा है, यूएस और रशिया के बीच में इशू है और बीच में वो दोनों स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं, ऐसा ना कि अपनी कंट्रीज पे ये लोग वॉर नहीं कर सकते, जैसे आजकल हम बात करते हैं कोल्ड वॉर हो रही है ठीक है, तो कई कई रीजन में है कोल्ड वॉर ना, जैसे और इश्यू क्या है बिहाइंड द बैक, ये कि अमेरिका और रशिया एक दूसरे को मतलब पुल कर रहे हैं, या कैसे अभी सीरिया में इश्यू चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक साइड को अमेरिका मनी कर दे रहा है, एक तरफ रशिया कर रहा है, रशिया की बैकिंग यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट को है और यूनाइटेड नेशन है वो अपोजिट पार्टी को दे रहा है मनी ठीक है। तो उसके बाद फिर अफगानिस्तान में भी इसी तरह से मतलब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं ये लोग, तो ये ग्रेट गेम कहेंगे इसको, यूएस रशिया टेंशन आर क्रिएट स्पेसेस फॉर प्रॉक्सीज फॉर बोथ ऑन अफगान सॉयल एंड अटैक्स फॉर अलकायदा एंड आईएस रिलेटेड टेरर ग्रुप्स हैव देयर रूट्स इन द लार्जर वॉर बिटवीन ईरान एंड अरब वर्ल्ड, फिर ईरान अरब वर्ल्ड भी रहेगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में भी क्लैशेस चलते रहते हैं ठीक है। ये वैसे शिया वर्सेस सुन्नी
वाला कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दो जैसे रीजनली देखे तो शिया वर्सेस सुन्नी है, और अगर ग्लोबल लेवल पे देखे तो फिर अमेरिका वर्सेस रशिया चल रहा होता है। ठीक है सर, फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसकी वजह से भी अफगानिस्तान पे रिलेशनशिप पे शैडो हो रही है। जैसे अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पैसे ऑफर किए थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मतलब पाकिस्तान को कि आप अपने जो ये आप फंडिंग हमको देना चाह रहे हैं ये अपने देश के टेररिज्म को रोकने के लिए आप इसको यूज कीजिए ताकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद सर, इन टर्न ड्रिवन बाय द डिजायर टू सिक्योर इटसेल्फ फ्रॉम इस्लामिस्ट ग्रुप, चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड अ राइवल मिलिट्री बेस इन अफगानिस्तान, ये भी मिलिट्री बेस बना रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है सर, इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग ऑफ तालिबान हो रही है। कंक्लूजन, यूनाइटेड नेशन मिशन इन अफगानिस्तान हैज वेलकम द ऑफर एंड सेड इट स्ट्रांगली सपोर्ट्स द विजन फॉर पीस थ्रू इंट्रा अफगान डायलॉग। तो ये क्योंकि स्पेसिफिकली हम किस परस्पेक्टिव से देख रहे हैं इसको कि अफगानिस्तान तालिबान टॉक्स, तो यूनाइटेड नेशन इसको एक पॉजिटिव स्टेप बोल रहा है टॉक्स के लिए और इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया न्यू रीजनल स्ट्रेटेजी, स्टेप्ड अप असिस्टेंस टू अफगान मिलिट्री एंड ग्रेटली इंक्रीज्ड एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट द तालिबान इन अ बिड टू ब्रेक द स्टेलमेट एंड फोर्स द इंसर्जेंट्स टू द नेगोशिएशन टेबल। तो अमेरिका थोड़ा सा नहीं कि लास्ट मोमेंट अभी जाते जाते हम लोग ढंग से बॉम्बिंग कर देते हैं ताकि तालिबान सबमिशन पे आ जाए, बट कहीं ना कहीं वही ना इंटरनेशनल मीडिया इस पर डिस्कस कर रहा होता है कि इज इट राइट और रॉन्ग। तो क्योंकि ना इट इज अ रीजन फॉर मोर रेडिकल पीपल, कुछ जगह जैसे अटैक कर दिए इतने सारे लोग मार दिए सिविलियन भी मरते हैं, दैट बिकम्स एन इशू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तालिबान हैज रिफ्यूज्ड टू नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट अंटिल ऑल फॉरेन फोर्सेस लीव एंड स्टिल रेफर टू देमसेल्व्स एज गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ठीक है, तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है सर,